हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कार्य पत्रिका दो के बारे में बात करने वाले हैं, जो हिंदी विषय के ऊपर है और कक्षा आठ की क्या है ये वर्कशीट है और 14/7/2021 आज की डेट है। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना जो है नेम लिखना है, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नीचे बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया गया है यहाँ पर, जिसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है। जो आज का समय जो चल रहा है, जो आज का युग चल रहा है, ये कैसा है, विज्ञापन का युग है। आज के समय में समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया भी विज्ञापनों का सफल साधन रहा है। देखिए, सफल साधन जो है आज के समय में, समाचार पत्रों में भी हम विज्ञापन देखते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं, टेलीविज़न में भी विज्ञापन देखते हैं। देखते हैं आपकी ऐड आता रहता है, विज्ञापन मतलब होता है बच्चों ऐड आता है कि नहीं आता है वो देखते हैं। तो बच्चों, आप क्या है देखते हैं कि टेलीविज़न यानी टीवी पर भी बहुत से ऐड आते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया यानी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, कभी देखते हैं अचानक से क्या होता है, कोई और वीडियो आने लगती है या ऐड आने लगता है। तो ये भी क्या है, विज्ञापन का एक सफल साधन रहा है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वालों और ख़रीदने वालों के बीच में सीधा संपर्क कराना होता है। जो विज्ञापन का सबसे मूल उद्देश्य क्या है बच्चों, मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, सामान बनाने वाले जो लोग होते हैं और सामान खरीदने वाले जो लोग होते हैं, उनके बीच में जो संपर्क साधने का कार्य होता है सीधा, वो कौन करता है, विज्ञापन करता है। ठीक है, जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा, उतना अधिक उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, जिस भी पदार्थ का हम विज्ञापन जितना अधिक देखेंगे, उतना ज़्यादा हम उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं ख़रीदने के लिए, और उस विज्ञापन की वजह से उस पदार्थ की लोकप्रियता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय होता है, पर उनसे बिक्री बढ़ जाती है। देखो, विज्ञापन जब भी हम देखते हैं टीवी पे, चाहे किसी न्यूज़पेपर में, चाहे कहीं भी, उन विज्ञापनों पे कंपनियां क्या करती हैं, विज्ञापन देने के लिए बहुत सा पैसा भी देती हैं। ठीक है, तो हर कंपनी अपने हिसाब से विज्ञापन दिखाने के लिए पैसा चार्ज करती है, तो उसमें पैसा भी खर्च होता है, पर जो कंपनी विज्ञापन अपना दे रही है, उनको क्या होती है, उनकी बिक्री भी बढ़ती है, जिससे उनके प्रॉफिट ही होता है, कहीं लॉस नहीं होता है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है, जो विज्ञापन वो आकर्षित हो देखता है, उससे आकर्षित होता है, और तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकर्षित होकर उसे खरीदने का बाध्य हो जाता है। यानी कि जब भी क्या है, विज्ञापन देखता है कोई, ठीक है, पेपर में, तो उसे खरीदने के लिए आकर्षित होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए पेपर में निकल आया कि एक जगह जो है वहाँ 20 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं, और मार्केट में उसी आलू की प्राइस क्या है, 50 रुपये है, तो आप कहाँ जाओगे लेने के लिए, उस 20 रुपये किलो वाले व्यक्ति के पास दौड़कर चले जाओगे लेने के लिए। ठीक है, और ऐसा क्या है, घर में हमारे बड़े लोग भी करते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन देखने में जो हम लोग देखते हैं, उससे हम लोग क्या होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ख़रीदने के लिए बाध्य भी हो जाते हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या प्रश्न हमें दिए गए हैं। जैसे वर्तमान युग में विज्ञापन कौन ये प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं इसके प्रमुख साधन, आइए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो आज के समय में समाचार पत्र से लेकर आप क्या करेंगे, यहाँ तक जो है आंसर नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है, विज्ञापन का मूल्य उद्देश्य क्या है। तो अभी आपको ऊपर मैंने दिखाया है मूल्य उद्देश्य क्या है, बताया था, तो आप क्या करेंगे, इस जगह से लेके पूरा यहाँ तक लिख देंगे, ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सामान बेचने वाले लोग विज्ञापन पर धन क्यों व्यय करते हैं, तो इसका भी आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे, सामान बनाने वाले लोग विज्ञापन पर धन व्यय करते हैं, और इसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि, ठीक, क्योंकि, और इस क्योंकि को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और
यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, इससे बिक्री बढ़ जाती है, क्या करेंगे इससे बिक्री बढ़ जाती है, ये लिख लेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बच्चों प्रश्न से ही आपको लिखना है, और क्योंकि लिखने के बाद, ठीक है, जिसको मैंने काट दिया आपको वो नहीं लिखना है, ठीक है, बीच में क्यों हटा के क्योंकि लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से पूरा अपना आंसर लिख देंगे इस जगह तक, ठीक है। इसके बाद क्या है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ग्राहक पर विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ग्राहक पर विज्ञापन का क्या प्रभाव पड़ता है, ग्राहक जब विज्ञापन देखता है तो उससे क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, ये चार हो जाएगा प्रश्न नंबर चार का आंसर, ठीक है। और इसके बाद उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, तो ऊपर जो गद्यांश दिया गया है इसका शीर्षक क्या हो सकता है, वर्तमान युग का विज्ञापन, ठीक है, इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं वर्तमान युग, विज्ञापन का युग, ठीक, क्या लिख सकते हैं इसका, वर्तमान युग विज्ञापन का युग, ठीक है, ये इसका हो जाएगा शीर्षक, ठीक है बच्चों, वर्तमान युग विज्ञापन का युग, ठीक। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है बच्चों, इसमें आगे आपकी यहीं पर वर्कशीट क्या होती है, समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे इन वीडियोस के लिए क्या है, चैनल की बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आ जाएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।